अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार सरकारी स्कूल के प्रयोगशाला सहायकों ने और जिला टेंट एसोसिएशन ने शहर विधायक संजय शर्मा को ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं से अवगत कराकर समस्या का समाधान कराने की मांग की। आज एक शिष्टमंडल जो हमारे सरकारी स्कूल में प्रयोगशाला सहायक हैं, जिनका पदनाम बदल दिया गया है, वो उनकी एक संघर्ष समिति पे ग्रेड बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय शिक्षा मंत्री जी के नाम दिया है। उसमें उन्होंने जो पे ग्रेड को लेकर विसंगतियाँ हैं उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि जो ज्ञापन उन्होंने मुझे सौंपा है उसको मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भेज करके हम प्रयास ये करेंगे कि उनकी आवाज़ उन तक पहुँचे और इनको जो राहत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से मिल सके उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जिला टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी आज मेड़ से मिले हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में उनकी जो मुख्य मांग है, जिस प्रकार से लॉकडाउन के कारण मैरिज होम्स बंद हैं, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर आर्थिक भार बढ़ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, नगर पालिका नगर परिषद के टैक्स उनके ऊपर आ रहे हैं, उसके साथ साथ जिन्होंने किराए पर ज़मीन ले रखी है वो किराए का भुगतान भी कर रहे हैं, लेबर का भुगतान भी वो कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं उनके पास स्थाई है अस्थाई, उस नाते से उनकी महत्वपूर्ण मांग थी कि राज्य सरकार इसमें कोई इनिशिएटिव लेकर के विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी कोई इसमें आगे बढ़ के कोई निर्णय करे, जो इनके ऊपर कर नगर परिषद या नगर पालिका द्वारा लगाया जा रहा है उसमें माफ़ी की जाए, बिजली के बिलों में माफ़ी की जाए, पानी के बिल में माफ़ी की जाए, साथ ही साथ लॉकडाउन जिस प्रकार से खोला जा रहा है अनलॉक किया जा रहा है तो विवाह समारोह में कम से कम 200 व्यक्तियों की छूट इनको दी जाए जिससे इनका जीवन यापन हो सके। इन तमाम बातों को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा है और मैं उस ज्ञापन को आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचाऊँगा।